अयोध्या में एक महीने से शहर के कैंट इलाके में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिर वन विभाग के पिंजड़े में कैद हो गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान तेंदुए ने मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने शिकार में जानवरों को ही निवाला बनाया। शहर के कैंटोमेंट इलाके में रहने के कारण नर तेंदुए की दहशत पूरे शहर में फैली हुई थी। आलम यह था कि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कैंट इलाके के जंगल में 4 पिंजड़े लगाए थे, साथ ही उसको ट्रैक करने के लिए जंगल के अंदर 25 कैमरे भी लगाए गए थे, जिनके माध्यम से तेंदुआ की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। एक बार ऐसा भी हुआ जब तेंदुआ ने पिंजरे में रखी बकरी का शिकार आसानी से करके चला गया और वह पिंजरे में पकड़ा भी नहीं गया। तेंदुए का फुर्तीलापन और चालाकी को देखते हुए शहर और वन विभाग में दहशत फैल गई। उसके बाद सतर्क वन विभाग ने विशेषज्ञों की टीम बनाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया। अयोध्या रेंज के DFO सितांशु पांडे का कहना है कि रात्रि 3 बजे के करीब नर तेंदुए पिंजरे में कैद हुआ है। यह कैंट इलाके के हेलीपैड के पास लगाए गए पिंजरे में कैद हुआ है। इसको डॉक्टरी परीक्षण के बाद प्राकृतिक आवास श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा स्थित सोहेलवा के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इस नर तेंदुए के पकड़े जाने के बाद से तेंदुए की दहशत जो शहर के अंदर थी वह समाप्त हुई। सर आखिरकार जो मादा तेंदुआ है वो पकड़ गई, कितनी मशक्कत करनी पड़ी और किस तरीके से उसको ट्रैक किया गया? ये 35 दिन की कड़ी कार्रवाई और मेहनत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और ये मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा जो रेंजर अयोध्या हैं और जो हमारा स्टाफ है, जो पूरा 35 दिन 24 घंटे ये जो 4 टीमें बनाई थी 6-6 घंटे की, और ये टीम आप कभी भी जाइए कैंट एरिया में आपको हमेशा पाई जाएगी। कभी भी लोग फ़ोन करते थे, हम लोग 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचते थे, और वो टीम पेट्रोलिंग भी करती थी, जन जागरूकता भी फैलाया हम लोगों ने, और पेट्रोलिंग के दौरान वो देखती भी थी कि कब तेंदुआ कब आया, और उसका हमने एक मैप भी बनाया था, और मैप के अनुसार ही हमने वो 4 केजेस जो 4 पिंजरे थे हमने वहाँ वहाँ लगवाया, और उसको हम शिफ्ट करते रहते थे जैसे जैसा तेंदुआ हमारा शिफ्ट होता था। हमने एक 25 कैमरा ट्रैप लगवाए थे और पूरे एरिया को हमने 6 भागों में डिवाइड कर रखा था, और उसको हर भाग को हम अच्छे से एनालाइज करते थे। सुबह 10 से 12 हमारा ये एक टीम थी जो कमांड सेंटर बना रखा था, और वहाँ पर हमारा टीम बैठकर उसके एनालाइज करती थी, विश्लेषण करती थी, और उसके बाद हम देखते थे कि उस क्या पिंजरे को कहाँ कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। और ये तीसरी बार हमने प्रयास, 2 बार और प्रयास किए थे, 2 बार हमने प्रयास करते करते रह गए, हमको पकड़ते पकड़ते रह गए, इस बार हमारा पूरा प्रयास सफल हुआ है। बहुत बहुत ये मैं आभार हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कैंट वालों का जो कि हमारे साथ सहयोग किया उन्होंने। अच्छा, ये कितनी बड़ी है तेंदुआ, क्या उम्र होगी इसकी, और क्या किसी तरीके की कैजुअल्टी भी किया इसने? कोई भी आदमी तो नहीं मरा है, इसके सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है 1-2 लोग तो घायल कर ही देता है ये, पर यह है कि अभी इस समय हमने 35 दिन के अंदर ही पकड़ लिया है। नॉर्मली 2-3 महीने ये ऑपरेशन चलता है, तो अभी तक तो इस पर कोई नहीं है। हालाँकि कैटल और जो कुत्तों को और बकरियों को इसने ज़रूर चोटी हानि पहुँचाई है।